ओम शांति। बाप, हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, यही समृद्धि रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या बन रहा है और क्या होने वाला है। जैसे कहीं पर हम बस जाते हैं ना, तो वहाँ की हर बात हमें इफेक्ट करने लग जाती है। जब कहीं पर मेहमान होते हैं ना और थोड़े समय के बाद जाना होता है, तो हर बात को इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं चलो जाने दो। पर कहीं पे बस जाते हैं तो वहाँ की छोटी छोटी बात नोटिस करने लगते हैं और खुशी को गायब कर देते हैं। तो जिस बात से हमें खुशी मिलनी चाहिए, वो बात हमारी स्मृति में ही नहीं आती। इसीलिए बाबा याद कराते हैं कि कौन सी दुनिया आने वाली है और आप यहाँ क्या करने आए। बीच बीच में कई बार बाबा ये रिवाइज कराते हैं कि तुम यहाँ क्या सीख रहे हो, क्या बनने आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है। क्योंकि बच्चे बाबा की याद में रहते तो हैं, पर बीच बीच में भूल जाते हैं कि बाबा कौन है। और ये जहां ही भी स्मृति होती है, मुरझाई सा जाती है, खुशी गायब हो जाती है। हैं दुख धाम में, आने वाला सुख धाम है, पर संगम युग तो अपने आप में वंडरफुल है। पर संगम के वंडर भी वही देख सकता है जो भगवान की नजर से देखता है, जिसकी नजर भगवान पे रहती है। और भगवान किस तरह से दुनिया को देखता है, उस नजर से जब दुनिया को देखा जाता है, तब खुशी गायब नहीं होती है, तो मुरझाइस नहीं आती है। ये मुरझा जाना, दुख की लहर आ जाना, इसका कारण ही यही है कि यहीं पर पुरानी दुनिया के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पुराने संबंध, तेरी मेरी, इसी में लगे रहते हैं। इसीलिए बीच बीच में बाबा फिर से याद कराते हैं कि तुम्हें नई दुनिया में जाना है, वहां पुनर्जन्म लेना है। या तो तुम सिर्फ राजयोग सीख रहे हो राजाई पाने के लिए, कि वहां जाकर आप क्या पद पाएंगे, क्या पोजीशन पाएंगे, वो तय करती है आपकी आज की पढ़ाई, कि आप कितना पढ़ते हो, कितना समझते हो। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ही ये जो भगवान समझाता है, जो सिखाता है, उसे जीवन में लाना, बस। और क्या पुरुषार्थ है? देही अभिमानी बनना, ये पुरुषार्थ है। कहते बहुत पुरुषार्थ किया हमने, बहुत मेहनत की, लेकिन ये तो आपका अपना पुरुषार्थ है, आपने भगवान के लिए थोड़ा कुछ किया है, ये तो अपने लिए कर रहे हो। देह अभिमान आपको दुखी तो करता ही है, आप दुख को छोड़ना ही चाहते हो। और भगवान ने कहा देही अभिमानी अवस्था होगी तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। वो सिंपल सा मेथड भी है, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि देह जब आ जाती है ना स्मृति में, और देहधारी जब आ जाते हैं, पुरानी दुनिया जब आ जाती है, तो मुरझाई आती है, दुख की लहर आती है, खुशी गायब हो जाती है। इसलिए कहा कौन सी स्मृतियां रहनी चाहिए जिससे मुरझाइस ना आए, खुशी सदा बनी रहे। हर कोई खुश रहना तो चाहता है, और चाहता तक ही रहता है, खुद कुछ नहीं करना चाहता। कहता भगवान ऐसे छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए, सबके बीच में मेरा नाम मान शान होना चाहिए। हम कोई नाम वाला काम ना करें, किसी को मान ना दें, और अपने स्वमान में ना रहें, और फिर भी नाम मान शान चाहिए, है ना वंडरफुल बात। तो ये सब कारण होता है देह अभिमान का। अब भगवान ने बता दिया देही अभिमानी बन जाओ, अब है तो सुनने में कितना आसान लग रहा है, पर ये जो घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, वो देह और देहधारी पुरानी दुनिया इन्हीं की वजह से आता है। तो अगर नई दुनिया याद रहती है और भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं ये भी याद रहता है, और भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं ये भी याद रहता है, तो खुशी कहीं नहीं जाती है, दुख की लहर नहीं आती है, मुरझाइस नहीं आती है। ओके? तो आप सिर्फ अकेले रोगी नहीं हो, सारी दुनिया रोगी है, सबको निरोगी बनाने भगवान आया है। तो पहले तो अपने रोग को जान लो, तभी तो उसका इलाज होते जब देखोगे तो परिवर्तन भी दिखाई देगा कि हाँ मेरे में ये रोग था तो अब इसका निवारण हो रहा है। तो बाबा ने बता दिया ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, हम हॉस्पिटल में हैं, बड़ी हॉस्पिटल,
सब अपने अपने किरदार बजा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है हॉस्पिटल में, और रूहानी सर्जन ऑलमाइटी अथॉरिटी अविनाशी सर्जन हम पर ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन चल रहा है। अगर कोऑपरेट करेंगे तो ही वो ऑपरेट करेंगे, अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑपरेट करते करते कुछ और ही ना हो जाए। इसलिए निरोगी अगर सदा काल के लिए बनना चाहते हो तो भी याद भी रखो कि भगवान कौन है, वो क्या सिखाने आए हैं, इसके बाद क्या आने वाला है, हम क्या सीख रहे हैं। एक एक पल को सही मायने में जब समझ जाएंगे तब इस स्मृति में खुशी की लहर दौड़ेगी और दुख की लहर कभी आएगी ही नहीं। ओके, ओम शांति।